हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन डब्बा गोश्त एक यूनिक स्टाइल में। चलो स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आप जितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से डालना। मैंने एक चम्मच लिया है। अब इसमें हम शिमला मिर्ची, गाजर डालेंगे। गाजर डालने के बाद आलू लिए हैं जो मैंने उसको कट कर लिया है। आलू डालेंगे। अब इसमें हम बॉइल्ड चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और मैंने इसमें काजू और मगजतरी का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद बॉइल नूडल्स डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद एक नॉनस्टिक कढ़ाई में उसे डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। मैंने दो अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। शिमला मिर्ची लेके हम उसको अच्छे से गार्निश करेंगे। अब जो अंडा लिया था हमने फेंट के, उसको अब इसमें डाल देंगे। अच्छे से चारों तरफ डाल देंगे। अच्छे से फैलाने के बाद इसको हम ढक कर 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट बाद देख सकते हो कितना अच्छे से पक गया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे।